हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और जा रहे हैं जुलूस देखने। आज देखिए हमारे घर पे बन रहा है क्या, अप्पे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसका यही नाम है, अप्पे। अप्पे है इंग्लिश, कैसे बोलते हैं? आज उठे ही इतना लेट है ना, 8 बज गया था, 7 बजे तक उठ जाते थे। नहीं गाइस, डेली लेट उठते हैं। मौसम में बड़ा गाजर कट गया है, बीन्स है, शिमला मिर्च। मैंने आपको छत का मौसम अभी भी दिखाते हैं। छत का मौसम दिखाते हैं आपको, पूरा बादल कर रखा है, अभी 1% भी धूप नहीं हुआ, इसलिए आज थोड़ा उठने में भी लेट हो गया है। ये दादी अपने वॉक कर रही है, देखिए पूरा बादल किया हुआ है चारों तरफ, इसीलिए आज पता ही नहीं चला कि सुबह हुआ कब और रथी नहीं। दीदी यहाँ पे अपना गार्डनिंग कर रही है, ये फिलहाल तो अभी गुलाब का छटैया चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हाँ आपको दिखाते हैं। एक और फूल है यहाँ पे, अब फूल लेने के लिए हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता है, फिलहाल किसी को खोजना पड़ता था, और सब जगह घर बन गया है तो कुछ दिखता भी नहीं है कि कहाँ फूल है, लेकिन यहाँ पे तो आपको दिख सकता है कि ढेर सारा फूल अब यहीं पे उग जाता है, सिर्फ ये रेड वाला जो है वो ढूल का ना यही नहीं उग पा रहा है, ये उग जाता तो और अच्छा हो जाता पूजा पाठ के लिए। और इसमें पता नहीं फल भी लगा है, लेकिन ये फल कैसा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसका भी, कि फल है कि ये क्या है पता नहीं कुछ चल रहा है। अब हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है, पूरा लग रहा है कांट छटा छू ही जाएगा। उसको छील के खा जाना, ये कभी नया लगा है। ये कौन सी क्या है दी? ब्लू का फूल वाजे फूलता ना है। और ये मिर्ची जो भी है फूल इस वाला तो ये तो पूरा बेकार हो गया है, इसमें क्या कि सारे पत्ते इसके झड़ चुके हैं, वो पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है। बाकी एक उधर लगा है रेड कलर का उड़हुल, पता नहीं वो भी हाँ हाँ उड़हुल वाला देख रहे हैं। और अब देखते हैं कि दीदी क्या क्या करना चुकी है अभी तक। हाँ गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए हैं दीदी हरियाणा से, 4 दिन के लिए ही आई हैं। कहाँ लाई हैं आप? बाबा के बोझे। इसके बाबा जो थे कितने साल जिए? 98 साल। 2 साल के लिए रह गया। दीदी शिमला मिर्च काट रही है, चाकू ला के दीजिए, चाकू से दीदी अथी कर रही है, और माँ यहाँ पे अपना खाना बना रही है। कहाँ माँ? हाँ, पिछला वीडियो में कैसे थे? और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि बेबो छोटे अभी भी सो ही रही है, अभी 9 बजने वाला, 8:30 तो हो चुका है, 8:45 तक ये लोग अभी भी सो ही रही है। ऐसा मौसम ही क्या ना है छोटे, चलो ब्लॉग बनाते हैं छोटे। ये अभी उठेगी ही नहीं, आइए ट्राई करते हैं बेबो। ये देखिए तो उड़ के सोई हुई है, पता नहीं दिख रहा है, लाइट मारते हैं। ओ बेबो उठ जा, चलो ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग करेंगे। हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। उठ ही नहीं रही है, इसको कैसे उठाना है, लोग से कि फर्श पे ही लोग सोते हैं, ए इस वाले पे ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, नहीं तो उधर खाना खटिया उठिया तो है ही, और उधर बेड भी है लेकिन लोग बेड पे नहीं सोते। गाइस अब इसमें क्या डाली है, सूजी और दही, नमक, इसको मैच करके फिर सारा वो डालेंगे सब्जी इसमें। हां, और कुछ एक्स्ट्रा डालेंगे? एक्स्ट्रा डालेंगे, एक्स्ट्रा इनो डालेंगे इसको खोलने के लिए, इसको खोलने के लिए इनो। दही तो पहले से डाल देते हैं, और इसमें डालेंगे क्या सीरम थे वो चिली फ्लेक्स, और ये ना ज्यादा तेज बनाने के लिए क्या डालेंगे इसको आधा घंटे का डालेंगे, तो आधा घंटे इसको खोलेंगे छोड़ देंगे, ठीक है? पानी भी जाएगा भाई, क्योंकि इतना पानी दही में जाएंगे तो खट्टा जाएगा। हम यहाँ पे चल गए हैं और इनो ले आएंगे, और वहाँ से वो लोग बैटर अभी तैयार कर ही रही है, तैयार करने में सर लग जाएगा 15 मिनट तो टाइम लगेगा ही लगेगा, मौसम ख़राब है तो वो अच्छे से फूलेगा भी नहीं। ये मैंने इनो तो लिया है, ये सिक्सर वाला पैक है, पता नहीं इसमें 50 रुपये का दिया दी, ये 50 रुपये का, कोई बात नहीं इसको काटो। देखिए पूरा मिक्स होने के बाद ये ऐसा हो गया है,
तो फिलहाल लेके फोन लेके ही चले गए थे, नहीं तो मिक्स करते हुए दिखा देते। कितना टेम्पटिंग लग रहा है। क्या इसको फाड़ो गाइस। एक बॉक्स में इन्होंने दिया है 2, 3, 4, 5, 6 पैक है। वही ने बोल रहे हैं वो बड़ा वाला लेने में फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है चलो डालो। तो गाइस देखिए इसमें इनो डाल रहे हैं, लेकिन जानते हो फिटो। और एक नया हमारे घर में आया है बच्चा जो कि नीचे है। हाय करो, हाय करो, हाय। ये हम फर्स्ट ब्लॉग देखते हो। ब्लॉग इसको फर्स्ट टाइम देखे तो हमको लगा लड़की है। ये दूसरा शेशन तुम लड़का हो, दिख तो नहीं रहा था। दो डाल दिए गिट्टो इसमें। हाँ हाँ डालो ना, तो दो तीन डालना ही है तो। दो डाल दिए गाइस। हरी मिर्ची भी डाल दी काट के, मतलब इसमें ग्राइंड किए थे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पढ़ाई होगा या पिटाई होगा। हम स्कूल जाएंगे। स्कूल हाँ स्कूल। दीदी ट्यूशन पढ़ाई। ट्यूशन पढ़ाई कौन पिंकू देखिए कैसे। दीदी बादाम डाल रही है चटनी के लिए। अरे तो मूंगफली अंग्रेजी हो गया है। हाँ इसको अगर रोस्ट कर देंगे, क्योंकि रोस्ट करने के बाद ये अच्छा लगता है। अब मम्मी हमेशा चाय पीती रहती है। हाथ में दही ब्रश नहीं करना है, सबसे पहले चाय पीना है। तो इसको रोस्ट करेंगे और इसमें ना इसको नए तरीके से बनाएंगे। इसमें ना धनिया पत्ता डालेंगे और उस सारे बैटर में एक चीज और धनिया पत्ता, वो चटनी वाले में ना एक चीज और जाएगा जो कि है हमारा स्पेशल कड़ी पत्ता, उसको भी ले लेते हैं। यार ये फ्लेवर इतना अच्छा ले आता है ना है, लेकिन तोड़ने का मन नहीं करता है। सारा टक 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 तक इसको तोड़ते चलना है। और एक थो और तोड़ लेते हैं, इतना सारा ले लेते हैं ताकि आगे चल के काम ही आएगा। चाय पीने के बाद अभी आ रही है मुंह धोने। और यहाँ पे बेबो भी आ गई है। बेबो का बाल देखिए कैसा हो गया है इस बार। मशरूम लुक पता है। थैंक्स। अब इसमें मारेंगे तड़का। इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं क्योंकि रिफाइंड ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट बहुत बिग। इसमें डाल दीजिए राई, ठीक है भैया जो कि आज मशरूम लग रही है। देखिए गाइस इसमें ये डाल दिए और उसको बाद में मिक्स करेंगे, नहीं तो सारा क्या इसमें सबके दांत टूटल है। उसका दांत देखो तो उसको कैसे टूटल है। और तुम्हारा दादी के सब दांत सड़ गया। ये बच्चा एड़ा है, एड़ा हिला हुआ है। बड़ा भयानक डेंटिस्ट है। दांत दिखाओ, दांत दिखाओ। हैंड्स अप कैसे कर रहा है? हाथ उठाओ, हैंड्स अप होता है ऐसे। पुलिस गिर रहा है गाइस। देखिए गाइस चटनी बन गया यहाँ पे। इसमें धनिया और मूंगफली दोनों मिक्स करके बनाया है और काफी ऊपर तक आ गया है। क्या देखिए इसका मशीन ऐसा होता है, डंपलिंग्स की तरह है। देखिए वो पूरा खुल गया ना। और ये बनेगा देसी घी में। घी लग रहा है गाइस, घी। हाँ ये देसी ऐसे रिफाइंड नहीं रखता है, बट घी वाला थोड़ा
ज्यादा क्रिस्पी होगा। डलाते के साथ अच्छा खुशबू आता है। हाँ, इसका ना पिज्जा के साथ है ना फ्लेवर। तो सारे टॉपिंग इसमें ना थोड़ा कम भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी फूल जाता है पकने के बाद। मस्त लगता है खाने में। हाँ, हेल्दी भी। और एक बार इसको, ये मेरा सबसे फेवरेट है, ये मोमोज के बाद। मोमोज तो आता है जो बाहर ला रहता है, शेजवान चटनी मिल जाता है तो और मजा आता है। उसके बाद ये वाला जो रहता है ना, वो कुछ ज्यादा ही सही रहता है। सही रहता है, लेकिन सारा कुछ हो गया। एक बार में ये बाहर निकल जाता है। और इसको 15 मिनट्स इधर और 50 मिनट्स उधर, मतलब ये 30 मिनट्स इसको ढक देंगे। यहाँ पे निकल चुका है, और फिलहाल आधा बनने के बाद वैसे भी रुक गया था, दीदी लोग सब एक नींद मारने लगे थे। टेस्ट करी बता। खाओ छोटे। छोटे तो टेस्ट कर ली, छोटे का बेटा टेस्ट करके। गरम है अभी भी यार। हाँ, ये पकड़ो बेटो। चल बेबो आजा। गरम गरम मस्त बना है एकदम। खाने के बाद रिव्यू देंगे हम, तुम टेंशन ना लो। क्या छोटे? मेरे को मालूम है हम अच्छा ही बनाते हैं। ऐसे तो हम बहुत बार खाए हैं, अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है खाने में। तो कर रहे हैं, मस्त तो बना है एकदम। आप चाहेंगे तो आप घर पे बना के खा सकते हैं। और रेसिपी इसका दे दी बताएगी, क्या क्या डलता है खाने को, इनो पता है कि डलता है और क्या क्या मसाला है, और सब आपको दीदी बता देगी शॉर्ट्स वीडियो में। यहाँ पे लंच और डिनर दोनों यही रहा खाने के लिए। अरे ये पसीने से भीग गई है ना, ना। माँ आप रोटी बनाएगी, रोटी नहीं हम नहीं खाएंगे। और फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये लो, ये तो दिन भर बैठ के गेम ही खेलते रहती है फालतू लोग।